हेलो चिल्ड्रन, देन फोर्स के बारे में तो हम लोग बहुत सारी बातें पढ़ चुके पिछले वीडियोस में, और अभी और भी बहुत बाकी है। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको फोर्स और उसके इफेक्ट से रिलेटेड एक स्टोरी सुनाती हूँ। उसमें देखिए क्या कहता है, क्या है वो स्टोरी कि ए बी सी डी और ई फाइव फ्रेंड्स आर देयर, दे आर इन द प्लेग्राउंड। कौन सा है? ए फ्रेंड ए है, बी है, सी डी और ई, दीज आर फाइव फ्रेंड्स हु आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। और वो क्या कहते हैं कि अब ए क्या कहता है कि सुनो, मैं इस बॉल को एक किक मारकर मोशन में ला सकता हूं, इसलिए मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। ठीक। उसके बाद बी क्या कहता है कि मैं उस बॉल को पर फोर्स उस बॉल को किक करके उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को मैं चेंज कर सकता हूं, इसलिए मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। तीसरे सी ने कहा कि मैं उस बॉल को रेस्ट में ला सकता हूं, अपने पैर से किक करके उसे मैं रेस्ट में ला सकता हूं, यानी उसके स्पीड को डिक्रीज कर सकता हूं या उसे मैं रेस्ट में ला सकता हूं। ये किसका स्टेटमेंट था? सी का था। एक क्या कहा? बाय अ किक, किक बॉल विल, बॉल विल मूव करने शुरू करेगा। बी क्या कहा? कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है। सी ने क्या कहा? कैन स्टॉप द मूविंग बॉल। सो ये इन तीनों ने बारी बारी से कहना शुरू किया। ए ने कहा कि मैं बॉल को मोशन में ला दूंगा, इसलिए मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। बी ने कहा कि मैं बॉल के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दूंगा, इसलिए मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। सी ने कहा कि मैं मूविंग बॉल को रेस्ट में ला दूंगा या उसके स्पीड को कम कर दूंगा, इसलिए मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। फिर से डी ने कहा कि मैं बॉल के शेप को चेंज कर दूंगा, कैन चेंज द शेप ऑफ बॉल। उसके बाद इसलिए मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। डी ने क्या कहा? मैं बॉल के शेप को चेंज कर सकता हूं, इसलिए मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। उसके बाद फिफ्थ ई ने कहा कि देखो, मैं तुम लोग जो चारों अलग अलग बोल रहे हो ना, मैं अकेला कर सकता हूं। मीन ये सारी चीजें मैं अकेले ही कर सकता हूं, इसलिए मैं ही स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। दे वर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स। तो अंत में एक छठा पर्सन एफ आता है। वो क्या कहता है? ओ माय डियर फ्रेंड्स, यू ऑल आर व्हाट एवर डूइंग, तुम लोगों ने जो भी करने को कहा, तुम लोगों ने जो भी कहा कि मैं बॉल के साथ ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, रेस्ट से मोशन में ला सकता हूँ, मोशन से रेस्ट में ला सकता हूँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता हूँ, स्पीड चेंज कर सकता हूँ, शेप चेंज कर सकता हूँ, वो सारा मेरे कारण है, वो मैं ही करता हूँ। और मेरा नाम क्या है? फोर्स है। लोग मुझे फोर्स के नाम से बुलाते हैं। तो तुम लोगों ने किया क्या क्या? तो फिर ए ने क्या कहा? मैं किक लगा के बॉल को मोशन में ला दूंगा। बी ने कहा मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दूंगा। सी ने कहा वो कि मूविंग बॉल
बॉल को रोक दूंगा। और डी ने कहा कि मैं बॉल के शेप को चेंज कर दूंगा। तो ये सारी चीजें, इन सारी ये परिवर्तन, इन सारे चेंजेज के पीछे मेरा हाथ है, मैं ही ये सारी चीजें करवाता हूँ। और वो कौन हूँ मैं? फोर्स। ठीक है, इट मीन्स बच्चों यहाँ क्या हुआ, हम लोगों ने क्या जाना? तो फिर से उन पांचों ने ए बी सी डी और ई ने पूछा कि तो बताओ कि तुम कैसे, तुम्हारे कारण ये कैसे होता है। तो एफ ने कहा, वो छठा पर्सन जो था उसने कहा कि जब कभी पुश और पुल किसी चीज पर अप्लाई होता है तो मैं वहां होता हूं, और पुश और पुल के कारण ही ये सारा चेंजेस तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, तो वो फोर्स क्या हो गया? फोर्स ने क्या कहा कि मैं ही पुश और पुल हूं, मैं ही वो कारण हूँ, रीजन हूँ, मैं ही वो करवाता हूँ, और ये सारी बात, ये सारी चीजें मैं ही करवाता हूँ, और मैं क्या हूँ? पुश और पुल हूँ। जब भी तुम पुश और पुल किसी चीज पर अप्लाई करते हो तो ये सारी चीजें हो सकती हैं और होती हैं, जिसे हम लोग अपने चारों ओर देखते हैं। तो बच्चों वो जो पांचों फुटबॉल प्लेयर फुटबॉल खेल रहे थे फील्ड में, उन्हें फोर्स के बारे में पता नहीं था। वो सिर्फ जानते थे कि मैं वो किक करूंगा तो मोशन में आएगा, मैं रोक दूंगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दूंगा, शेप चेंज कर दूंगा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि फोर्स क्या है। इसी तरह से हम लोगों को भी अपने डेली लाइफ में ये पता नहीं होता कि कहाँ हमने फोर्स लगाया, लेकिन हम लोग फोर्स लगाते हैं, चेंजेज होता है। तो बच्चों फाइनली ये पुश और पुल क्या करता है, जब हम, हमें ड्रॉअर खोलना रहता है हम खींचते हैं, पुल करते हैं, लगाना होता है तो पुश करते हैं, दरवाजा खोलना है पुल करते हैं, लगाना है पुश करते हैं। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं हैं। हमें अर्थ पर ही चलते हैं हम लोग, जब चलते हैं तो अर्थ को हम दबाते हैं, पुश करते हैं तो अर्थ भी हमें पुश करती है आगे बढ़ने के लिए। इस तरह से फोर्स ये सारी चीजें करवाता है। और इस स्टोरी से क्या क्या हमें मिला? फोर्स का डेफिनेशन भी मिल गया और फोर्स का इफेक्ट भी पता चल गया। तो बच्चों अब आगे के वीडियो में मैं फिर से इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करती हूँ बारी बारी से। आप लोग सुनो वीडियो को, आई थिंक कि इतना से भी क्लियर हो गया होगा, लेकिन वो भी देख लीजिए आगे भी, तो और भी अच्छा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। और बच्चों अगर ये समझ लो अच्छे से देन देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, और ये सब दिन के लिए आपके दिमाग में शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू। हेलो बच्चों, तो क्लास 8 का ये हम लोग का तीसरा वीडियो है। तो बच्चों हम लोगों ने इसके पहले क्या क्या पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में नेट फोर्स, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, उसके लिए हम लोगों ने एग्जांपल भी पढ़ा था। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो, कि अगर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, देन कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेज इज नोन एज बैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, और बैलेंस्ड फोर्स कुछ भी नहीं कर सकता ऑब्जेक्ट को साथ, कोशिश भले कर सकता है सिर्फ एक चीज कि ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करना। तो बैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकता है, बट अनबैलेंस्ड फोर्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ये सारा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला देगा, मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला देगा या लाने की कोशिश करेगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ा था। अब देखिए, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, उसके बाद वाला टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।
हम लोग फोर्स तो यूज करते ही हैं अपने डेली लाइफ में, है ना। बुक को उठाए, एक जगह से दूसरे जगह गए, चेयर पर बैठे हैं, चलते हैं, खड़े हैं, तो वी यूज फोर्स एवरीवेयर। एवरीवेयर वी कैन नॉट से, बट फोर्स इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द टाइम एंड वी सी द इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स एग्जर्टेड ऑल्सो। तो अब देखिए, वो फोर्स जो हम लोग अपने डेली लाइफ में लगाते हैं वो क्या क्या कर सकता है और क्या करने की कोशिश करता है, उसे ही हम लोग टॉपिक सब टॉपिक इफेक्ट ऑफ फोर्स के नाम से पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स विच फोर्स कैन प्रोड्यूस। अब उसके लिए देखिए क्या क्या है। फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। तो इफ द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल चेंज, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट मूविंग। सो फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल कम इन मोशन। तो इसका एग्जाम्पल, जब ये सिंपल सी बात, कोई भी चीज मेरे हाथ में, ये चौक रेस्ट में है, इस पर हम फोर्स लगाएं तो ये मोशन में आ जाएगा, इसे फेंक दें फोर्स लगा के तो मोशन में आ जाएगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम पुश कर दें, पुल कर लें, तो वो मोशन में आ जाएगा। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल आप खुद से दे सकते हो कि फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। बट अब देखिए, हम लोग बहुत सारा लोग मिलके किसी दीवार पर फोर्स लगाए, नथिंग विल हैपन बिकॉज बैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग ओवर देयर, दैट फोर्स इज नॉट सफिशियंट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ वॉल। बट बुलडोजर से फोर्स लगाए तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, वो अपने जगह से मूव कर जाएगा। तो फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन एग्जाम्पल। तो मच इफ द ऑब्जेक्ट नीड्स मच स्ट्रॉन्गर फोर्स देन द ऑब्जेक्ट विल कम इन मोशन, अदरवाइज दैट ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। सो मेनी एग्जाम्पल्स वी कैन गिव फ्रॉम आवर डेली लाइफ। तो दैट इज फॉर द ऑब्जेक्ट चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। गुड, तो हु विल चेंज, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स? अनबैलेंस फोर्स ऑब्वियसली, ठीक है। तो बच्चों, इस तरह से जब अनबैलेंस्ड फोर्स करता है ना, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज ला दे, मोशन में चेंज ला दे, उसके स्पीड को चेंज कर दे, डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दे, तो पता है आपको एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सीलरेट कर देना। नहीं, गाड़ी में देखते हो ना, एक्सीलरेटर होता है किस लिए? गाड़ी के स्पीड को बढ़ाने के लिए। तो जब ज्यादा फोर्स लगाते हैं एक्सीलरेटर पर तो गाड़ी ज्यादा स्पीड से चलने लगती है, तो वो क्या कर देता है, मीन्स अनबैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट को एक्सीलरेट कर देता है। तो अब क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, ये हो गया। दूसरा देखिए क्या है, फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर हम लोग फोर्स जब लगाते हैं तो फोर्स किधर लगाइएगा तब वो रुकेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट जब हम लोग फोर्स लगाएंगे देन द ऑब्जेक्ट विल स्टॉप मूविंग। तो वहां फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म मोशन। तो फोर्स अगर हम लोग डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगाते हैं तो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो जाएगा, स्पीड डिक्रीज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी आ सकता है। तो इस तरह से हम लोग इसका एग्जाम्पल देते हैं, बॉल वाइल क्रिकेट मैच, ड्यूरिंग क्रिकेट मैच
इफ द फील्डर टेक्स द कैच, मूविंग बॉल कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ गया, तो कैच लेने के समय आदमी अपना क्या करता है, हाथ से उस पर फोर्स लगाता है, वो रुक गया। तो लाइक दैट व्हीकल, मूविंग व्हीकल, व्हीकल पर को जब रोकना होता है तो ड्राइवर क्या करता है, उस पर फोर्स लगाता है, किससे, ब्रेक से। तो वो फोर्स कैसे लगता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट लगता है, एंड देन द व्हीकल कम्स टू रेस्ट और उसका स्पीड कम हो जाता है। तो बच्चों इस तरह से और भी सारा एग्जांपल है, कोई ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, बॉल रोल कर रहा है, उसको हम लोग पैर से या किसी चीज से रोक देते हैं, फोर्स लगाए, वो रेस्ट में आ गया। तो इस तरह से फोर्स यूनिफॉर्म मोशन में मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला देगा। थर्ड देखिए क्या है, फोर्स चेंजेज ऑफ टेंस टू चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस पर हम फोर्स लगाए, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा या चेंज करने की कोशिश करेगा हम लोगों के द्वारा अप्लाइड फोर्स। ओके, लाइक क्रिकेट मैच हो रहा है, बॉल कम्स मूविंग वेरी फास्ट, जब बैट्समैन उसको हिट कर देता है बॉल को, तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉल का चेंज कर जाता है। तो इस तरह से फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके चिल्ड्रन, नाउ मोर मेनी मोर एग्जांपल्स वी कैन गिव फ्रॉम आवर डेली लाइफ। ठीक है, देन वी डिड व्हाट, द फोर्स चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, तो सम साइक्लिस्ट इज बाइसाइकलिंग, तो उस पर दूसरा आदमी अगर फोर्स लगा, वही आदमी जो साइकिलिंग कर रहा है वो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर सकता है फोर्स को अप्लाई करके। बच्चों तो इस तरह से और भी एग्जांपल आप अपने सराउंडिंग में फाइंड कीजिए, सो दैट यू कैन अप्लाई योर कॉन्सेप्ट। फोर्थ वन क्या है, द फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके स्पीड को फोर्स चेंज कर दे सकता है। तो लाइक कोई चीज रोल कर रहा है, सपोज बॉल आ रहा है रोल करते हुए फील्ड में, अ बैट्समैन हिट्स द बॉल, बॉल बहुत ज्यादा स्पीड से चलता है, चलने लगता है, तो वहां आप क्या देखते हैं, स्पीड ऑफ मूविंग बॉल चेंजेज ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय द बैट्समैन। उसके बाद वो क्रिकेट फुटबॉल मैच में भी वही बात होती है, डायरेक्शन ऑफ मोशन बॉल का चेंज कर जाता है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल। तो इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग के उसके डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज कर ही देगा। ठीक है, नेक्स्ट वन हम लोग कर रहे थे स्पीड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन में ही लगा तो ऑब्जेक्ट का स्पीड बढ़ जाएगा, अगर डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है देन द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इंक्रीजेड। इस तरह से फोर्स स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट को चेंज कर देता है या करने की कोशिश करता है बच्चों। और लास्ट वन क्या है हमारा, फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो लाइक जब हम लोग रोटी बनाते हैं देन द गूंधा हुआ आटा पर जब वो बेलन से हम लोग फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज हो गया। एक हम लोग पिलो ले लिए अपने हाथ में, दोनों हाथ के बीच उस पर फोर्स लगाते हैं उसका शेप चेंज हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ हम लोग क्या देखे इस दोनों एग्जांपल में, फोर्स चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कोई दीवाल है, घर है, बिल्डिंग है, हम लोग देखते हैं पुराना घर तोड़ के लोग नया मकान बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, बुलडोजर से फोर्स लगाए उसका शेप चेंज हो गया, नहीं तो हैमर से कुछ पार्ट को आदमी तोड़ता है तो हैमर से क्या होगा, फोर्स लगाता है उसका शेप चेंज हो जाता है। इस तरह से फोर्स चेंजेज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। बट बच्चों
आपको हम लोग हमने बताया था बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के केस में कि ये बैलेंस्ड फोर्स ऑब्जेक्ट के शेप को भी चेंज कर सकता है और बैलेंस्ड फोर्स और दूसरा कोई चेंजिंग नहीं कर सकता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर दे सकता है। इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में बच्चों क्या पढ़ा कि ये फोर्स कौन कौन सा चेंजेज और किसी ऑब्जेक्ट पर कर सकता है, फोर्स जब लगाया जाए तो कौन कौन सा चेंज उस ऑब्जेक्ट में हो सकता है। तो ये बच्चों ये सारी चीजें हम लोग अपने डेली लाइफ में देखते ही रहते हैं, बट हम लोगों को चूंकि अलग अलग टर्म के रूप में अलग अलग इफेक्ट के रूप में हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए हम लोग उसे अप्लाई नहीं करते हैं। लेकिन अगर हम लोग को कहा जाए कि यहाँ क्या हो रहा है, आपसे मैं पूछूं किसी चीज पर फोर्स लगा के कि यहाँ हमने पुल किया तो क्या हुआ उस सब्जेक्ट में, तो जरूर आप आंसर दोगे यू नो ऑल दिस थिंग्स, वी सी ऑल दिस थिंग्स इन आवर डेली लाइफ, बट वी एज वी डोंट नो अबाउट देम सो वी कैनॉट अप्लाई इन आवर डेली लाइफ। उसके बाद बच्चों हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, हाउ द फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी लग सकता है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी लग सकता है, तो बहुत सारा फोर्स ऐसा है हम लोग के डेली लाइफ में जो कि बिना टच किए हुए, बिना कॉन्टेक्ट में आए हुए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस फोर्स को हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन कोई फोर्स है कुछ दूर से भी लगता है, कुछ कुछ फोर्स, तो इन सारे फोर्सेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बच्चों थोड़ा सा ही समझो, अच्छे से समझो, इट्स माय विश, इट्स माय मोटो टू मेक द वीडियो सो दैट यू पीपल कैन हैव द बेटर ग्रिप ऑन द थिंग्स आई एम टीचिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इफ देर इज एनी डिस्क्रिपेंसी इन द वीडियो please write in the comment box so that I can improve that one। so बच्चों पसंद आए तो like और subscribe कीजिएगा और comment box में comment भी लिखिएगा अच्छा लगा या बुरा लगा। thank you for watching, next video में क्या पढ़िएगा, classification of force, contact and non-contact force। thank you।